टोटल अपने को पहली सर्विस कॉस्ट जो अपने को पड़ी हेलो एवरीवन दिस इज मी गौरव एंड वेलकम बैक टू द चैनल ट्रैवलिंग माइस गाइस। आज अपनी डोमिनार की फर्स्ट सर्विस की बारी आ चुकी है। एक्चुअली इसको लिए हुए 4-5 दिन ही हुए हैं और मुझे फर्स्ट सर्विस करवानी पड़ रही है क्योंकि अपनी जो बाइक है करीबन 600 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है और इसमें सर्विस रिमाइंडर भी आ रहा है अभी। वैसे फर्स्ट सर्विस का जो टाइमिंग होता है गाइस 500 किलोमीटर टू 750 किलोमीटर तक में हमें इसे फर्स्ट सर्विस करवानी पड़ती है और अगर डेज की बात करें तो 30 दिन के अंदर फर्स्ट सर्विस हो जानी चाहिए इस बाइक की। तो इस वजह से अभी हम इसकी सर्विस करवाने जा रहे हैं अभी राजेश्वरी बजाज, वहीं पे इस बाइक की सर्विस होगी फर्स्ट और बाद में अगर वहां पे वीडियोग्राफी अलाउ हुई तो हम देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि कौन सी पार्ट के हमें चेंज करना पड़ेगा। वैसे आई थिंक ऑयल और ऑयल फिल्टर जो है वो दोनों तो मुझे पता है चेंज करना पड़ता है। वीडियो के एंड में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कितनी मुझे कॉस्ट पड़ी इस बाइक की सर्विस में। तो पहले चलते हैं अभी शोरूम। वैसे यहाँ से दूर नहीं, मेरे घर से तो 2 ही किलोमीटर आई थिंक 1-2 किलोमीटर ही दूर है सर्विस सेंटर, मतलब जो शोरूम है उसके बाजू में ही उसका सर्विस सेंटर है तो वहीं पे देना है सर्विस में। अभी देखते हैं, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ सर्विस का कैसा रहता है एक्सपीरियंस राजेश्वरी बजाज का सर्विस का। वैसे तो कई कई जगह पर मैंने रिव्यू देखा है सर्विस बहुत ही बेकार होती है बजाज की, बट यहाँ पे देखते हैं राजकोट में तो मुझे पता नहीं है कैसी सर्विस रहेगी। सो फर्स्ट टाइम आई विल एक्सपीरियंस बजाज शोरूम एंड विल लेट यू नो दैट हाउ इट्स गोइंग गुड और बैड। तो गाइस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखना, कितनी कॉस्ट लगी मुझे इस बाइक की सर्विस में वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वैसे इसकी सर्विस बुक भी मैंने अभी तक नहीं ली है, वो अभी पड़ी है यहाँ पे सर्विस सर्विस सेंटर पे ही पड़ी है, अभी ले लेंगे। तो यही है नियर बजाज शोरूम, आप देख सकते हो राइट साइड में जो है राजेश्वरी बजाज, यहाँ पे है इसका सर्विस सेंटर। तो गाइज़ अभी हम पहुंच चुके हैं सर्विस सेंटर पे, यहाँ पे अंदर है इस राजेश्वरी बजाज का शोरूम और बाजू में ही है इसका सर्विस सेंटर यहाँ पे। तो गाइज़ अपनी जो बाइक है वो जा रही है अभी सर्विस में, आप देख सकते हो कितनी गंदी हो रही है यहाँ से नीचे है क्योंकि कल हमने 250 किलोमीटर ऑलरेडी ड्राइव कर लिया। और वैसे अंदर जो है नीचे वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है तो शायद मैं नीचे का तो वीडियो आपको नहीं दिखा सकता हूँ, उन लोगों ने मना ही कर दिया कि नीचे आप वीडियो नहीं बना सकते हो, शायद वॉशिंग का यहाँ पे वीडियो बना सकते हैं। यहाँ पे सारी बाइक जो है वो वॉश हो रही है, यहाँ पे एक दूसरी डोमिनार ब्लैक देखिए। ब्लैक और ग्रीन में कलर में काफ़ी डिफरेंट है, ग्रीन कलर जो है अलग ही दिखाई देता है देखिए। तो पहले अपनी बाइक की जो है वॉश होगी तो वॉशिंग का मैं वीडियो देखता हूँ अगर बना पाता होगा, बट अंदर जो नीचे सर्विस का आई थिंक ये लोग बनाने नहीं देंगे। वैसे तो उन लोगों ने बोला अगर आपको अभी नहीं करवानी है 1000 किलोमीटर तक आप चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट मैंने कहा फिर अभी जाएंगे अभी हम हाईवे पे तो सर्विस हो जाए तो अच्छा है। कूलेंट का लेवल भी मुझे थोड़ा सा कम दिख रहा है यहाँ से देखिए, और कट गया। अरे बाप रे, ये देखिए पल्सर की हालत। तो गाइस अभी जो है ये वॉशिंग का वीडियो मैं बना देता हूँ, फिर बाद में इसकी सर्विस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में ये वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अंदर का तो वीडियो ये बनाने देंगे और 2 घंटे मुझे यहीं पे बिताना है। तो मिलते हैं आपको सर्विस के बाद में।
तो गाइस सर्विस जो है कंप्लीट हो चुकी है। वैसे फर्स्ट सर्विस में और कुछ खास तो था नहीं, बस ऑयल और ऑयल फिल्टर चेंज किया जैसे कि मैंने आपको बताया था। और कॉस्ट जो है ऑयल की करीबन लगी मुझे 1790 यानी कि करीबन 1800 रुपये के आसपास का ऑयल आया, और ऑयल फिल्टर जो है 70 रुपीज़ का ऑयल फिल्टर था जो कि बहुत ही सस्ता है। तो टोटल अपने को पड़ा पहली सर्विस कॉस्ट जो अपने को पड़ी 1870 रुपये टोटल हुआ इस फर्स्ट सर्विस में इसका। अभी बाइक का इंजन धीरे धीरे जो है खुल रहा है तो पहले से ज़्यादा अच्छी लग रही है। अभी वॉशिंग तो ठीक है, चलो वॉशिंग तो कहीं पे भी हम करवा सकते हैं, बट मेन जो था पर्पज़ सर्विस करवाने का ऑयल चेंज करवाना था फर्स्ट, और ऑयल फिल्टर जो दोनों चेंज करवाना था इसलिए सर्विस में दिया अपने को। बाकी सब हो चुका है कंप्लीट, और बाइक की जो आवाज़ है वो भी थोड़ी सी चेंज हो गई, अभी पहले से बेहतर हो गई है। फर्स्ट सर्विस के बाद अभी वाइब्रेशन जो हैंडल पे था वो भी थोड़ा सा कम हो चुका है। अभी पता नहीं, वो बोल रहे थे कि इसमें जो एयर प्रेशर मैंने चेक नहीं करवाया था, एयर प्रेशर जो है बहुत ही कम था, तो बाकी तो अभी बढ़िया है, देखते हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है कुछ होती है तो आपको मैं अपडेट देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। एंड ऑयल वो बजाज का ही डलवाया है, क्योंकि अगर दूसरी कंपनी का मोतूल या फिर सेल का किसी का डलवाएंगे कैस्ट्रोल का तो उसमें वारंटी नहीं रहेगी, 5 ईयर की जो इंजन की वारंटी आती है वो नहीं रहेगी, तो इस वजह से हमने अभी ऑयल बजाज का ही डलवाया है। उसके बाद में देखेंगे, फिर दूसरी कंपनी का डलवाएंगे 3 सर्विस के बाद में। तो गाइस यही था आज के इस वीडियो में, इतना ही। आई होप कि आपको मेरा वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर आपने यहाँ तक का वीडियो देख लिया तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मिलते हैं आपको इसी तरह के किसी नए ब्लॉग में। सो टिल देन ड्राइव सेफ, यूज़ हेलमेट एंड टेक केयर।